मेघनाथ मरब करई अपवान खल मायावी देव सतावर प्रभु। मुझे अभी अभी ज्ञात हुआ है कि पुत्र मेघनाथ चकुंभरा देवी का यज्ञ करने वाला है और अभी यह यज्ञ संपन्न हुआ तो उसे हराना असंभव है प्रभु, उसे हराना असंभव है। हे भाई, आज मेघनाथ से युद्ध करने के लिए आप मुझे आज्ञा दें। कल तो वह छल से ब्रह्मास्त्र चलाकर बच गया, पर आज ना बचने पाएगा। आप मुझे आज्ञा दें भैया। ठीक है लक्ष्मण, परंतु याद रहे धननाथ साधु है, तपसी है, बलशाली है, वरदानी है, संयमित नारी व्रत वाला है, एक ही प्रमिला रानी है। वो योगी स्वयं योग द्वारा यदि चाहे तो मर सकता है, मरकर भी अपने प्राणों को तन में प्रविष्ट कर सकता है। इस कारण ऐसे योद्धा का तन छिन भिन कर आना तुम, सिर को हाथों ही हाथों में सादर रामादल में लाना तुम। यदि ऐसे संतवती के पति का शीश अगर भूमि पर आएगा, कपिदल तो किस गिनती में है, संसार भस्म हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा भी है। युद्ध की ओर प्रस्थान करो। बोले भगवान की। जय श्री राम। दूसरी ओर मेघनाथ यज्ञ करने बैठ जाता है। देवी, हे देवी मेरी पुकार सुनो, आज मैं दूसरी ओर लक्ष्मण हनुमान जी ओम भीम क्लीम चामुंडा तपस्या में लग जाता है। दूसरी ओर हनुमान जी महाराज और लक्ष्मण जी पहुंचते हैं, उसके यज्ञ को भंग करने का प्रयास करते हैं। सभी राक्षसों को एक एक कर मृत्यु घाट पहुंचा देते हैं। मेघनाथ हवन कर रहा है। ओम भीम क्लीम चामुंडा उठे, ओम भीम क्लीम चामुंडा उठे, ओम भीम क्लीम चामुंडा।
चामुंडाल जय। ओ भीम भीम चामुंडाल जय। मेघनाथ का यज्ञ पूर्ण हो नहीं कोई होता है और तभी लक्ष्मण जी वहां आ जाते हैं। ओम भीम भीम चामुंडाय जय। ओम भीम भीम जय। शिवाय छोटे तपस्वी तू फिर आ गया। उस हार तो भाग्य ने बचा लिया पर आज न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई पर अब प्राण गवाएगा। है वो सागर बड़ा अगर तो प्रलय काल बच जाएगा। फटागर सारा जग चल जाएगा। अरे ओ दशमुख के लड़के ये घमंड दे दिया। मैं का अच्छा नहीं किसी भांति भी रहा। मैं ना जो मैना करती है वह सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी मरवाती है। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है। फलदार पेड़ जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। अब बातें ही बनाएगा क्या अपना रण कौशल भी दिखलाएगा। देख मेघनाथ इधर देख इस धनुष और इस बाण को दे और फिर उस विष्णु के वरदान को दे। यह है शेर 13 वर्ष भूमि की शैया पर किया है भोजन फलों का और विजय पाही निद्रा पर। किया है कान कोवस में लगाई चैन को ठोकर है। सहन किए कष्ट इतने तब जाके पूरा प्रण होगा। हे मेघनाथ जान ले आज तेरा निश्चय ही सुरपुर कमन होगा। छोटे तपस्वी आ और युद्ध कर। तो आ और मुझसे युद्ध कर। युद्ध होता है पराक्रम बल कौशल टकरा गए। वीरों के तीरों से बादल छा गए।
हिंदुस्तान वाले पापों का, सुर मंडल के, मुनि मंडल के, गोमंडल के संतापों का, अपनी प्रतिष्ठा की बीड़ा अब शीघ्र मिटाए की पृथ्वी, हसरों के ताजा लहू से जी भर नहाए की पृथ्वी, हसरों के ताजा हक से जी भर के नहाए की पृथ्वी। इसलिए संभल जाएंगे जी, क्योंकि ये इंद्र जीत बढ़ रहा क्षत्रिय के कांजी धनु पे शायद जगजीत चढ़ा। ओ अरे बस यू ही बातें बनाएगा या रण कौशल भी दिखलाएगा तो ठीक है मेघनाथ, अगर तुझे यही मंजूर है तो आ और मुझसे युद्ध कर। Thank you.
भीषण युद्ध चल रहा है। मेघनाथ भी अपना प्रयास दे रहा है। तभी लक्ष्मण जी लखनऊ